जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण। मेरे भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। पांचवा अध्याय का, भागवत गीता का पांचवा अध्याय का महात्म्य। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान कहते हैं, हे देवी, आप सब लोगों द्वारा सम्मानित पांचवें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मध्य देश में कुतुबसरपुर नामक एक नगर है, उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वदा निकलंक था, उत्पन्न हुआ था। किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वास्थ्याम को छोड़कर ढोल बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से इच्छुखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उनकी खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होकर वह एक यमलोक पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंतर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से उधर उधर फुतक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के बेर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सुखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्यों की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिया ने उसे ही बाणों का निशान बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सूखी और खोपड़ी के जाल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोकों में ले गए। वहां अपने पूर्व कृत पाप कर्म को याद करके दोनों भयभीत हो गए। तदंतर यमराज ने जब उनके ग्रस्तित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात उपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मन वांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। ये सुनकर अपने पाप को याद करते हुए दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे बट नामक एक उत्तम विज्ञान ब्रह्म ज्ञानी रहते हैं। वे एकांतवासी, ममता रहित, शांत प्रकृत और किसी से भी द्वेष न करने वाले हैं। प्रतिदिन गीता के पांचवें अध्याय का जप करना उनका सदा नियम था। पांचवें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के
प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर को परित्याग किया। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जा जाओ, क्योंकि गीता के पांचवें अध्याय के महात्मा से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं कि सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, रामचंद्र भगवान की जय, जय श्रीमन्नारायण। एक प्यारा सा कृष्ण भजन। लगन तुम से लगा बैठे जो होगा दिखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा दिखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन कृष्ण जी से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन कृष्णा से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण।